आइए, आएंगे? जय हिंद दोस्तों, मैं नीतू राय ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल फौजी वाइफ हार्ड लाइफ में। कैसे हैं दोस्तों? आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और आप सब लोगों की कृपा से मैं भी एकदम अच्छी हूँ, मस्त हूँ। और बस आज जो है बेटू, नहीं छोड़ दीजिए उसको, मत टच कीजिए, छोड़ दीजिए बेटू उसको। आ जाओ ले लूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सबको हेलो कर लो बेटू, सबसे हेलो कर लो, हेलो कर लो, सबसे कर लो। इधर देखो, देखो इधर, इधर देखिए तो, इधर देख लो एक बार। नहीं इनको बस साइकिल से मतलब है। बेटू देखो इधर, इधर तो देखो, देख इधर, ये हाँ। नहीं तो आज चलिए एक नया ब्लॉग लेकर मैं आ गई हूँ, और जो लोग भी नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड जो है बाकी सब लोग लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और कुछ नहीं तो बस जय हिंद ही मेरे लिए काफ़ी है। तो ये बताइएगा, अच्छा हाँ जो पूछ रही हूँ वही बता दीजिएगा, कौन कौन जो है बिग बॉस देखता है मेरी तरह? मुझे तो अभी जो है ना बहुत, ससुराल में तो मैं नहीं देखती थी, झूठ नहीं बोलना है। एक बार इससे पहले वाला थोड़ा बहुत देखा था, 10-12 एपिसोड मैंने जो इसके पहले आ रहा था बिग बॉस उसको मैं देखी थी, बट इस बार जो है मैं कंटिन्यू देख रही हूँ क्योंकि मायके में हूँ, कोई काम तो है नहीं, बस बाबू को देखना है और बिग बॉस देखना है। तो मैं बिग बॉस देख रही थी बहुत ज़्यादा, जो है जिसके वजह से मैं नाम बता दे रही हूँ, वो है शिवानी कुमारी और कटारिया। जो मेरा सबसे मतलब पसंदीदा है वो है कटारिया, तो और शिवानी भी थी, मतलब दोनों सेम से बोल सकते हैं आप। और तो इस बीच में जो है ना कल का जो एपिसोड देखे हम लोग, दिमाग एकदम ख़राब हो गया भाई। तो मैं मतलब जब भी थोड़ा सा देख रही हूँ, क्या होता है ना मोबाइल लेकर ऐसे देखो तो कोई क्लिप भी आ जा रहा है, शॉर्ट्स वगैरह आ जा रहा है शिवानी और विशाल का, जो वो लोग बाहर हुए थे, तो एकदम इमोशनल हो जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। और सच में ये इतना गंदा हुआ है ना बिग बॉस ने, बहुत ख़राब किया है। हम लोग जो है सब्सक्राइब करते हैं 29 रुपीज़ का, और आपका जो है देख रहे हैं, हम ही लोगों के थ्रो से जो है आपका शो चल रहा है, और आप हम लोगों की ना सुनकर वो जो घर में कैप्टन जी बने हुए थे आपने उनका सुना, और ये मतलब घर वालों की सुनी, ये आपने बहुत गलती किया है कि हम लोगों का कोई रोल ही नहीं है। और शिवानी का जाना, विशाल का जाना बहुत ही गलत था, बहुत ही गलत था, सभी बोल रहे हैं कि गलत था। और अब क्या कह सकते हैं, बस यही कहेंगे कि अब जो है कटारिया बचे हुए हैं और कटारिया को आप लोग सपोर्ट करो, और बस कटारिया जीत जाए, और मुझे कुछ नहीं, मैं यही चाहती हूँ कि कटारिया जीते। तो और कटारिया जो है कितना ज़्यादा जो है, कल मैं फर्स्ट टाइम देख रही थी, मतलब इमोशनल तो कटारिया बीच बीच में हो जा रहा था, वो उसकी फैमिली की याद आ रही थी या फिर वैसे भी, लेकिन जिस तरह से कटारिया मतलब अपने दोस्तों को जो है विदा किए, और सना मकबूल, हाँ बेटू आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इनको जो है केवल घर का सामान मिल जाए खेलने के लिए बस, वो जो है इनको अपने खिलौनों से कोई मतलब नहीं रहता है, बस इन्हें जो है, मेरी सिस्टर बोलती है मेरा एक घर का एक एक सामान मिलना चाहिए, कभी ताला लेंगे जो भी मिल जाए, कभी ताला, कभी वो क्या बोलते हैं, देखो कौन है, क्या बोलते हैं, कभी ताला, कभी पेन, कभी कोई डिब्बा मिल जाए छोटा मोटा, और वो बैठने वाला जो पीढ़ा नहीं होता है वो, बस यही सब चीज़ें। क्या चीज़? अच्छा क्या देख रहे हो? ए बाबू
ओए हट। तो चलिए आज के ब्लॉग में जो है मैं एक्चुअली क्या है ना, आजकल मैं भूल जा रही हूँ मैं मुझे ब्लॉग क्या लेकर आना चाहिए। बहुत सारे ब्लॉग शूट करती हूँ और वो डाल ही नहीं पाती हूँ। तो मैं जैसे अपने ससुराल से आ रही थी, तो थोड़ा बहुत जो है मेरी सिस्टर ने ब्लॉग, मैंने और मेरी सिस्टर ने दोनों ने ब्लॉग शूट किया हुआ था, तो कंटिन्यू वही रखते हैं। उसके बाद जो है और ब्लॉग लेकर आएंगे, क्योंकि वो छूट गया था। कल मेरी सिस्टर जो है याद दिलाई कि तुम तो आने वाला ब्लॉग डाली ही नहीं, जबकि तुमको सबसे पहले डालना चाहिए था कि तुम ससुराल से जो है मायके आ गई हो। तो मैंने कहा हाँ यार, ये तो मैं भूल ही गई। और फिर यार ब्लॉग शूट करने में भी जो है मेहनत लगता है। एक बार मोबाइल निकालो कहीं पर भी रहो तो, और ब्लॉग शूट करो वो भी डालो नहीं। तो चलिए फिर कंटिन्यू जो है वही ब्लॉग रखते हैं इसके आगे, है ना। बेटू ये इतनी तेजी तेजी चलना सीखे हुए हैं, इनको इतनी खुशी मिलती है ना, एकदम तेजी तेजी चलेंगे धाएं दी गिरेंगे। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग देखकर एक चीज तो लग ही रहा होगा ना कि 2 साल पहले मैं कैसी थी और 2 साल बाद कैसी हो गई हूँ। जस्ट 2 साल पहले मैं यहाँ पे थी और तब मैं ब्लॉग बना रही थी, डाल रही थी। आप लोगों को ब्लॉग बहुत अच्छे भी लग रहे थे, लेकिन उसके बाद मेरे अंदर बहुत ज़्यादा जो है अंतर आया हुआ है देखने में, मतलब बॉडी शेप की मैं बात कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा। तो 2 साल में बहुत कुछ बदल भी गया है, लेकिन इतना ज़्यादा भी मतलब मुझे नहीं बदलना चाहिए, तो उसे मैं ठीक करने के लिए ही यहाँ पे आई हुई हूँ। तो चलिए फिर कंटिन्यू वहाँ से ससुराल से मायके आने वाला ब्लॉग डालते हैं। तो आज जो है मैं जा रही हूँ अपने मायके, मीन्स पापा के यहाँ, और भाई जो है लेने गया हुआ था। तो अभी मैं आ गई हूँ भाई के यहाँ रूम पे, और सुबह मॉर्निंग में हमारी ट्रेन होती है। तो ससुराल से जैसे जो है ना ट्रेन, अरे ससुराल से उतना मॉर्निंग में नहीं निकल पाते क्योंकि 5 ही बजे ट्रेन होती है। तो इसलिए हम भाई के यहाँ आ गए हैं, भाई लेने गया था। और अब जो है इनको देखिए, ये भाई अपनी मासी को पाए ये अपने हुए हैं, मासी के साथ लगे ये हुए नहीं हैं। थकेंगे पर तो हम मासी जरूर मुझे थक ले जाने के जाएंगे। लिए साथ में जो है रुकी हुई थी। मुझसे छोटी वाली सिस्टर चली गई है, ये मेरे लिए रुकी हुई थी, तो हम दोनों साथ में जाएंगे। बाबू जो है फर्स्ट टाइम जा रहा है अपने नाना के यहाँ। लड्डू, हे लड्डू, हे सुना, अरे तो हम लोग खाते थे अपना ना था कि, पर हम जरूर खाते थे। पता नहीं क्लच लगा दे, बताओ। 1 मिनट 1 मिनट तो मुझे जो है बहुत ही तेज़ भूख लगी थी, शायद मैं नाश्ता करके घर से निकली हुई थी, याद भी नहीं है। मतलब शाम को बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग गई थी। तो भाई जो है बोला कि चलो कुछ खा पी लेते हैं, तो हम लोग आ गए थे कुछ खाने के लिए। और मुझे एक सूट लेना था, मतलब जाने के लिए, जैसे वहाँ से तो मैं साड़ी पहन कर आ गई लेकिन यहाँ से सूट पहन कर जाऊँगी, तो वही एक मैं सूट ली। सबसे पहले हम लोग पेट पूजा किए और उसके बाद फिर मैंने एक सूट लिया। तो यहाँ जो है हम लोग जहाँ से लेना था हमें सूट, जस्ट उसी के सामने जो है डोसा दे रहे थे, तो यहाँ पे हम जो है सूट खा रहे हैं। सूट खा रहे हैं, डोसा डोसा खा रहे हैं। सच में मेरा दिमाग शायद कहीं और है। तो आ गए थे यहाँ से जो है हम सूट लेने, और नॉर्मल सूट लेना था मुझे, ज़्यादा कॉस्टली नहीं लेना था, तो उस मैंने सूट ले लिया। तो रात भर जो है मैं भाई के यहाँ रुकी हुई थी, क्योंकि मेरी ट्रेन जो है सुबह 4:30 बजे होती है, तो हम भाई के यहाँ जो है रात भर रुकते हैं और उस सुबह जो है ट्रेन पकड़ लेते हैं। तो मैं जो है आ गई हूँ अपने, हाँ छोड़ दो, क्यों मतलब उसको परेशान कर दियो, छोड़ दो, मौसी है ना,
बदमाश है आपकी मौसी। लड्डू मेरा दूध के फिल्म के तो यहाँ जस्ट सामने जो है बाबू के एक बड़े भाई मिल गए थे। इनसे एक मतलब एक साल बड़े होंगे और वो जो है बार बार इनसे मिलना चाह रहे थे और बाबू जो है उनसे मिलना चाह रहे थे। और इसलिए जो है बाबू बार बार कोशिश कर रहे थे कि नीचे उतर जाऊँ, उनके पास चला जाऊँ। तो दोनों लोग जो है एक दूसरे के सामने बैठ कर एक दूसरे को जो है देखने में लगे हुए हैं। पानी आ रही है ना, इधर देखो, इधर देखो लल्ला, ओए लल्ला देखो इधर बेटू, देखो इधर, हाँ बहुत बदमाशी, बहुत ही आओ। क्या वो नहीं, ये बिस्किट खाओ, बिस्किट बिस्किट खाओ। देखो मम्मा कैसे खा रही है, देखो लगी नहीं है, ले जाओ 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 घूमा जाओ, घूमने जाओगे, जाओ जाओ मौसी के साथ घूमा जाओ, चलो चलो मौसी ले जाएगी आपको घुमाने, जाओ घुमा जाओ। एक हाथ पकड़ो, दोनों नहीं, एक एक से खुश रहते हैं, दोनों पकड़ लोगी तो चिल्लाते हैं। ये दादी को दिखा रही है घूम रहा, इधर दिखाओ इसको, बस यही चाहिए लड्डू, लड्डू जान गया कि देरी हो जाएगा। देखो इधर लड्डू क्या कर रहे हो, हटाओ पैर थोड़ा, लड्डू अमेठी नाना आ रहे, नाना बेटू नाना, बाबू के नाना आ रहे, नाना ओए लड्डू, हाँ चिल्लाओ और चिल्लाओ, बस चिल्लाना है सुबह से। हाँ क्या मिला है, क्या देख रहे हो, गाड़ी। तो यहाँ से एक स्टेशन बाद जो है हमारा स्टेशन पड़ता है और मैं उस वहाँ पे उतरूंगी, तो चलते हैं सब तैयारी कर लेने उतरने की। मिठाई लेके आ रही है, पूरी दुकान खरीदने लगी थी, उसके 500 का छुट्टा हो जाएगा ना, नहीं तो आम आम ले लेते पकड़ो। फाइनली हम आ गए अपने घर पे, अब यहाँ से जा रहे हैं अपने घर।
तो फाइनली जो है मैं घर पर आ गई हूँ। बीच बीच में मैं वीडियो जो है नहीं शूट कर पा रही थी, आदत भी उतना ज़्यादा है जो है ना मेरी नहीं है कि हर जगह पे कैमरा निकाल कर करूँ। एक तो सामान भी था, 3-4 बैग थे हमारे, हमारी और सिस्टर के। तो ये था आज का हमारा ब्लॉग, आप सबको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और कौन कौन ब्लॉग देखता है मैंने पूछा ही है, ये भी बताइएगा। तो चलिए ब्लॉग जो है कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू मींस डेली लेकर आऊँ। और ये तो है कि अब जो ब्लॉग आएंगे 2-3 दिन बाद वाले, 2-4 दिन बाद वाले, वो काफ़ी अच्छे आएंगे, आप लोगों को बहुत अच्छे लगने वाले हैं। तो बस यूं ही आप सब अपना सपोर्ट अपना प्यार बनाए रखिएगा। और इनको देख लीजिए ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो ये तुम, हाँ आपका मन जो है केवल इसी में लगता है लोटने पोटने में, हाँ अरे ए मिट्टी खा रहे हो, बहुत मारेंगे, बहुत पिटाई करेंगे आपकी, बदमाश बच्चा, इधर देखो। शिवा ने बाहर निकल कर ब्लॉग बनाई, ये रही हमको पता चला विशालो निकल गए, और ये अरमान मलिक है ना हमारे ब्लॉग का तोड़े के बहुत कोशिश करें, तो हम बोले कि मतलब आपको भी तो उसमें नहीं समझ में आ रहा था ना, तीनों दोस्त बिल्कुल इधर उधर नहीं कर रहे थे, कटारिया विशाल और वो क्या बोलते हैं सना, बिल्कुल इधर उधर नहीं, लेकिन बाद में जो है शिवानी थोड़ा सा गड़बड़ कर रही थी। तो सिस्टर बोल रही है कि चलो हम लोग भी चलते हैं बिग बॉस में, तो फिर क्या कह रही है कि हम लोग तो जाएंगे तो वहाँ रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वेज और नॉन वेज सब एक ही में बनता है, मतलब जैसे बर्तन एक ही यूज किए जाते हैं, हम लोग तो मर जाएंगे वहाँ पे भूखे ही रह रहे तो वो हम लोगों के लिए नहीं है। और एक चीज़ और अच्छा था, शिवानी और विशाल, शिवानी तो अंडे खा रही थी शायद, चिकन तो मैंने नहीं देखा था एक भी दिन, मीन्स नॉनवेज में अंडे ले रही थी, बाकी कुछ मैं नहीं देखी थी। और ये विशाल और कटारिया जो है नॉनवेज नहीं खा रहे थे, तो ये अच्छा लग रहा था देखकर। और चलिए फिर आज के ब्लॉग को ये पे करते हैं, टाटा बाय बाय, नहीं तो मेरी बातें जो है चलती ही रहेंगी, पक 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 मेरा, अरे भगवान, ये है इनकी मौसी की हाँ लैंग्वेज, रियल लैंग्वेज हाँ। तो मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ कट नहीं करने वाली हूँ, ऐसे ही पढ़ने वाला है तुम्हारा सब कुछ, खरीदे कुल्लू में लगा था धीरे से अच्छा नहीं होगा ये समझ जाओ, चलो हट जाओ, मौसी है गंदी, इसको मौसी मत बोलना ना, ये गंदा काम करता है, हाँ तो उसको प्यार से समझाओ ना। तो चलिए जो है मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, हंसते रहिएगा, हंसाते रहिएगा, और जय हिंद वंदे मातरम।